गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों के लिए रुकमणी पब्लिकेशन की वॉल्यूम 2 की बुक से BPSC बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 हेतु नियुक्ति परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 18 लेकर आया हूँ। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 120 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें कि 40 क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड हैं, बाकी 80 क्वेश्चंस जो हैं वो GK और करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन 80 क्वेश्चंस को जो GK और करंट अफेयर से रिलेटेड हैं वन बाई वन करके सॉल्व करेंगे। तो अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B.R. अंबेडकर ने आरंभ किया था। तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने हरिजनों के कल्याण एवं अछूतों के उद्धार हेतु वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया। इसके माध्यम से उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने जैसे सामाजिक व नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष किया। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय। कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। जो शेर ए पंजाब व पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और ये जो है वो भारतीय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने जो है सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत की? तो किसने की? तो एस ए डांगे ने। तो श्रीपाद अमित डांगे ने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। मुंबई में कम्युनिस्ट ग्रुप की संस्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्रीपाद अमृत डांगे की थी और 1924 में सरकार द्वारा कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत 13 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था, जिनमें श्रीपाद अमित डांगे भी थे। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी ने नहीं किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व जो है, तो बारदोली जो है सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। इसका जो है नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और बारदोली जो है वो गुजरात के सूरत ज़िले में स्थित है और बारदोली के किसानों ने लगान वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था और बारदोली क्षेत्र में 22% भू राजस्व वृद्धि कर दिया गया था और बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने जो है वो सक्रिय रूप से भाग लिया था और वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने सरदार की उपाधि जो है वो दी थी। और मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति ने लगान वृद्धि से संबंधित मामले की जांच करवाई थी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने? संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और जयप्रकाश नारायण को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था और जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है।
और जयप्रकाश नारायण को जो है मरणोपरांत भारत रत्न 1999 में दिया गया और वर्ष 1965 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के ताप स्थल हॉट स्पॉट हैं, कौन से हैं? तो हो जाएगा पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। कौन सा हॉट स्पॉट है? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। तो पृथ्वी की जो है जैव विविधता अनेक पारितंत्रों में विभाजित है। दुनिया में 1000 से अधिक जो है प्रमुख परिक्षेत्र हैं। इनमें से जो है 200 सबसे समृद्ध, सबसे दुर्लभ और सबसे विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र कहे जाते हैं। इन क्षेत्रों को ग्लोबल 200 कहा जाता है और विश्व में कुल 36 जैव विविधता ताप स्थल चिन्हित हैं, जिसमें से 4 जो है वो भारत में हैं। तो वो 4 कौन कौन से भारत में हैं? पश्चिमी घाट हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र व सुंदर लैंड। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो तमिलनाडु में जो है जाड़ों में वर्षा जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तो तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा मुख्यतः लौटते मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तमिलनाडु में वर्ष भर की जो अधिकतम वर्षा जाड़े की ऋतु में इसी मानसून से होती है। 10 डिग्री जो चैनल है वो किसे पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से जो है वो पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप को पृथक करता है और 9 डिग्री चैनल भी लक्षद्वीप और मिनिकाय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मिनिकाय को पृथक करता है और पाक स्ट्रेट जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो क्या है? तो क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। खैबर दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है वो खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? तो खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंदू कुश श्रेणी के सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। किस वर्ष जो है 2022 के लिए डिजिटल भुगतान में वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश को जो है वो किस देश का है? तो कौन से देश का है? तो भारत का। किसका है? भारत का। वर्ष 2022 के लिए डिजिटल भुगतान में वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है वो भारत को मिला है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मानसिक पेंशन जो है वो देने की घोषणा की है? तो किस राज्य के? तो हरियाणा राज्य के। कहाँ के? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन जो है वो देने की घोषणा की है। और जनवरी जो है 2023 में केंद्र सरकार ने कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें कि 6 जो है वो पद्म विभूषण से हैं, 9 पद्म भूषण से और 91 जो हैं वो पद्मश्री पुरस्कार से शामिल हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 साल का जो है वो बैन लगाया है? तो किस खिलाड़ी पर? तो संजीता चानू पर। किस पे? संजीता चानू पे। और विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अजय बंगा को। किसे? अजय बंगा को। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू
किया है। तो किस योजना को? तो अमृत धरोहर योजना को शुरू किया है। किसको शुरू किया है? अमृत धरोहर योजना को। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्वीटेक ने। ठीक है, तो टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का जो खिताब है वो इगा स्वीटेक ने जीती है। और पोलैंड की जो इगा स्वीटेक है चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को हराकर यह खिताब जो है वो अपने नाम किया है। और सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच है वो नॉर्वे की कैस्पर रूड को हराकर पुरुष एकल में फ्रेंच ओपन 2023 जीता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष जो हैं वो है डॉक्टर मनोज सोनी। भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? तो किस गांव को जाना जाएगा? माड़ा गांव को, जो कि उत्तराखंड में है। तो भारत के पहले गांव के रूप में माड़ा गांव उत्तराखंड को जाना जाएगा। और चमोली जिले में स्थित माना गांव को पहले जो है वो भारत का अंतिम गांव माना जाता था। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो किस राजवंश का? तो बुर्बो। कौन से वंश का? तो बुर्बो राजवंश का जो है फ्रांस में शासन था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैचुरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। किसे? इंडियन स्टैचुटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन के नाम से। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालाबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? तो किसके आग्रह पर की गई थी? तो सिंधिया के जो आग्रह पे की गई थी। तो सालाबाई की जो संधि है 1782 ईस्वी को पेशवा माधवराव के कार्यवाहक महादजी सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करते हुए एक संधि हुई। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। कौन है वो? डेविड हेयर। डच निवासी जो हैं डेविड हेयर ने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय ने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के जो हैं प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री के साथ ही विदेश मंत्री का भी प्रभारी रहे। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो तथ्य है वो सही नहीं है? तो स्वयंसेवक प्रतिदिन लगभग 25 मील की यात्रा करते थे। नहीं, ये गलत है। यह 78 स्वयंसेवकों के साथ आरंभ हुआ था। सही है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। बिल्कुल सही है, यह यात्रा 24 दिन तक चली थी। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो हम आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को एक लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नज़रबंद कर दिया। सही है, 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। सही है, उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। ये भी सही है, वह शाहजहाँ और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। तो ये हमारा गलत है, वो दूसरा पुत्र नहीं थे, वो औरंगजेब जो थे वो शाहजहाँ और मुमताज महल के तीसरे पुत्र थे।
अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान जो है वो हुई थी? किसकी मृत्यु हुई थी इनमें से? तो इनमें से जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो चौगान खेलने के दौरान हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन को उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। और कुतुबुद्दीन की जो मृत्यु है वो 1210 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। तमिलनाडु में निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा, ये सभी जगह पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? आयरन और सिलिका की बहुलता होती है और लेटराइट मिट्टी जो है वो चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी जो है, तो नर्मदा नदी जो है वो दरार घाटी से होकर गुजरती है। तो भारत में जो है दरार घाटी मतलब भ्रंश घाटी होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? सिंह भूम में। भारत में जो यूरेनियम है झारखंड के सिंह भूम में, भूम जिले में जादू घोड़ा से प्राप्त होता है और विश्व में जो है वो सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? कजाकिस्तान है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक है इलाहाबाद और हल्दिया। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो एक है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वह कौन सा राज्य है? वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन आच्छादित है। मिजोरम राज्य में वनों का जो प्रतिशत क्षेत्र है वो सर्वाधिक है और हरियाणा में वनों का प्रतिशत क्षेत्र सबसे कम है। और वर्तमान में जो है वो भारत में वनों का विस्तार लगभग 24% क्षेत्रफल पर है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप स्वीकार किया गया है? तो किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है? तो कितनी अवधि का? तो 10 वर्ष की अवधि का निवास जो है वो आवश्यक है। तो भारत में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका देश में दोहरी नागरिकता स्वीकार किया गया है, ठीक है। और भारत में जो है नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को भारत में 10 वर्ष का निवास आवश्यक है, ठीक है। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का निवास जो है वो आवश्यक है। और भारत की किसी एक राजभाषा का ज्ञान रखता हो एवं पंजीकरण के तहत 7 वर्ष निवास की सीमा हो। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। और अनुच्छेद 17 किसे संबंधित है? तो अस्पृश्यता के अंत से। और अनुच्छेद 19 जो है वो वाक स्वतंत्रता एवं अन्य 5 स्वतंत्रता का अधिकार से है। और अनुच्छेद 23 किसे संबंधित है? तो बलात्श्रम एवं मानव अंगों के व्यापार पर प्रतिबंध से। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है वो कौन है? तो संपत्ति का अधिकार। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? कौन नहीं होते हैं? तो विधान परिषदों के सदस्य। विधान परिषदों के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है कौन है? तो उदारीकरण, निजीकरण
और वैश्वीकरण, ये तीनों जो है सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी सही हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं रिवर्स रेपो दर। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है उसे हम लोग रिवर्स रेपो दर कहते हैं। भारत से होने वाले निर्यात में सबसे अधिक भागीदारी जो है किस देश की है? तो वो है अमेरिका की। किस देश की है? अमेरिका की है। भारत की का सबसे अधिक व्यापार भागीदारी 2022-23 में अमेरिका है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है? तो कृषि की जो है वो प्रधानता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है। भारत में 48% रोजगार जो है वो कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है और भारत सरकार की आय सर्वाधिक तृतीयक क्षेत्र से प्राप्त होती है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र और राज्यों के बीच आयकर के विभाजन का जो निर्धारण है करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है नियुक्ति? भारत का राष्ट्रपति। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो कितना प्रतिशत? लगभग 70%। तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 73.06% जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बिहार के कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में से लगभग जो है वो 68,800 वर्ग किलोमीटर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बिहार राज्य के कुल 38 जिलों में से 28 जिलों में बाढ़ का खतरा बना रहता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक जो कारण किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को। किसे माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है वो पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा? तो भोर घाट दर्रा। कौन सा? भोर घाट दर्रा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? तो कौन सी रेलवे लाइन चलती है? तो कोंकण रेलवे लाइन जो है वो अरब सागर के समानांतर चलती है। कोंकण रेलवे रोहा मतलब मुंबई को मैंगलोर कर्नाटक से जोड़ती है। कोंकण रेलवे लगभग 760 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोटा विद्रोह बिहार के किस स्थान का आंदोलन था? तो किस स्थान का था? मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों का। जो लोटा विद्रोह है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया आंदोलन था। लोटा विद्रोह बिहार में सन 1856 ईस्वी में हुआ था और इस विद्रोह का प्रमुख कारण कैदियों में अंग्रेजी राज के खिलाफ फैला असंतोष था। अनुपम झील जो है वो बिहार के किस जिले में है? तो कैमूर में। किस जिले में है? अनुपम झील जो है वो बिहार के कैमूर जिले में है। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में भभुआ शहर के पास कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन है? तो वो है पटना। कौन है? बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो पटना है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है? तो किसने की है? मुंशी प्रेमचंद ने। निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? तो तबला से कौन संबंधित है? जाकिर हुसैन। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय
है। तो कौन है वो कीटोन के साथ? इसका जगह ऑप्शन नंबर डी ओन, ओ एन ई। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया है। घास, दुर्मुट भृंग, मेढक, सांप और बाज। तो यदि चौथे पोषण राज स्तर पर ऊर्जा 7 किलो जूल है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी? तो उत्पादक स्तर पर जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी? 7000 किलो जूल हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 7000 किलो जूल हो जाएगी। अब हम आते हैं, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि चौथे स्तर पर बोला है, तो चौथे स्तर पर 7 किलो जूल है, ठीक है, और हमें पता है कि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का जो प्रवाह है वो 10% की मात्रा में अगले ऊर्जा स्तर पर होता है। इसे ही हम लोग लिंडमान का 10% नियम कहते हैं। तो 7 किलो जूल कितने का 10% है? तो 70 का ही 10% 7 किलो जूल है। ठीक है, तो इसी प्रकार 70 जो है वो, एक मिनट देखिए, जैसे कि 7 किलो जूल है, ठीक है, चौथे स्तर पे, तो तीसरे स्तर पर क्या हो जाएगा? कितने का 10% 7 किलो जूल होगा? तो 70 का। ठीक है, उसी प्रकार फिर कितने का 10% 70 किलो जूल होगा? तो 700 किलो जूल का। ठीक है, फिर बोलेगा कितने का जो है 10% 700 किलो जूल होगा? 700 किलो जूल होगा। तो 7000 का जो है वो 10% कितना होगा? 700 किलो जूल होगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज 7000 किलो जूल। कैसे होगा? क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का जो प्रवाह है वो 10% की मात्रा में अगले ऊर्जा स्तर को होता है। इसे लिंडमान का 10% का नियम जो हम लोग कहते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान का क्या होता है? तो भारी द्रव्यमान का क्या होता है? कम, जो गति है वो कम हो जाती है। यदि दो असमान द्रव्यमान में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान का कम गति होता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो कौन सा हार्मोन? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वह युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। अब दिया है अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि तीन समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है तो एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा? तो हमें पता है इसका फॉर्मूला कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? तो तुल्य प्रतिरोध, तो तीन समान प्रतिरोध हैं, कितने ओम के? 6 ओम के। तो क्या हो जाएगा? 1/6 + 1/6 + 1/6। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3/6। तो ये कट के कितना हो जाएगा? 1/2। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंठमाला ग्वाइटर किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? तो हमारा हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है, और थायरोक्सिन की कमी से जड़ मानवता रोग, मिक्सिडिमा रोग और हाइपोथायराइडिज्म रोग होता है, और थायरोक्सिन की अधिकता से टॉक्सिन ग्वाइटर रोग, एक्सोपैथेलिमिया रोग होता है, और समुद्र तटीय क्षेत्रों में आयोडीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में जो आयोडीन की कमी पाई जाती है, और आयरन की कमी से रक्त छिड़ता मतलब एनीमिया रोग होता है।
किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है। कैसा? तो अवरक्त। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होता है। अवरक्त विकिरण की खोजकर्ता कौन थे? तो हर्सेल हैं। कौन है? हर्सेल। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रतिक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस प्रकार की ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं? तो किस प्रकार की ज्वाला? तो पीली ज्वाला। कैसी? पीली ज्वाला। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी जो हैं वो वर्ग के जो प्राणी हैं वो गर्म रक्त वाले होते हैं। संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? तो CaCO3 पर जब 2HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो CaCl2 + H2O और CO2 में टूट जाता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संपीड़नों का निर्माण जिस स्थान पर होता है वह वायुदाब क्या होते हैं? तो वह वायुदाब जो होते हैं वह उच्च होते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पे वायु का जो दाब है वो उच्च होता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रजातियों में कौन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तन। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मानवों में सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा है? तो कौन सा है? त्वचा है। तो मानवों में सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है। इसके बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं और इसका रंग जो है मेलालिन नामक रंजक के कारण होता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई जो है क्या है? तो किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? मोल है। क्या है? मोल। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव उर्वरक बायोफर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किसमें जो है वो परावर्तित करते हैं? तो किसमें परावर्तित करते हैं? नाइट्रेटों में। किसमें परावर्तित करते हैं? नाइट्रेटों में। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन सॉल्यूशन में से विलेय को विभक्त कर सकते हैं? तो वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करके हम जो है विलयन में से विलेय को विभक्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धारणीय विकास लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए असंभावी हैं। निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है? तो किस पर केंद्रित है? तो लिंग समानता पर। किस पर केंद्रित है? लिंग समानता पर केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? कौन है? छाद। छाद जो है वो मृदा संरक्षण की एक विधि है। मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मर्मेकोलॉजी जो है वो चींटियों का अध्ययन है। तो चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मर्मेकोलॉजी कहलाता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल जो है वो नींबू में तो नहीं पाया जाता, आंवला में भी नहीं पाया जाता, कच्चे आमों में पाया जाता है और अंगूरों में पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। तो टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? कच्चे आमों में और अंगूरों में। मनुष्य में छूद्रांत्र छोटी आंत कुंडलित होती है और यह लगभग कितनी मीटर जो है वो लंबी होती है? तो 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशा के रूप में जाना जाता है? तो किसे? रेयान को। रेयान कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है और सेलुलेज से बने कृत्रिम रेशे को रेयान कहते हैं। और रेयान बनाने के लिए सेलुलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया जो है वो टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है। नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से ध्वनि की गति किसमें जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम होती है? कौन हो जाएगा? तो एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम इसका क्या हो जाएगा? तो ध्वनि की गति किसमें जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम होती है? तो एल्युमिनियम। अब हम आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर रबर जो है वो एक चालक नहीं है। किसी भौतिकी राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग परिमाण कहते हैं। किसी भौतिकी राशि के अंकीय मान को परिमाण कहते हैं। भौतिक राशि परिमाण, दिशा एवं मात्रक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सदिश राशि और अदिश राशि। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन गहरे रंग का एक आकार विहीन पदार्थ है जो माइक्रोबियल क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और अत्यंत धीमी गति से अवघटन से गुजरता है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमस। निम्नलिखित में से क्या बल बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है? तो क्या होता है? अपरदन। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 120 पे। उस चरण की पहचान करें जो अवघटन का हिस्सा नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का क्षरण। मिट्टी का क्षरण जो है वो अवघटन का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार हमारा आज का टेस्ट सीरीज नंबर 18 जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।